अर्जुन की बात सुनकर लगने वाला है प्रीतम और ऋषभ को झटका। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात करें जीटीवी के सीरियल कुंडली भाग्य की, जहां आप देखने वाले हैं कि कैसे अब अर्जुन की बात से लग जाएगा प्रीता और ऋषभ को झटका। जी हां, अर्जुन अब सबके सामने एक झूठ बोलने वाले हैं। पर आपको तो पता ही है, अर्जुन पहले करण के दोस्त बनकर आ रहे थे, यही झूठ उन्होंने अब सबके सामने बोल दिया है। आप तो जानते हैं कि अर्जुन ही करण है, लेकिन सबके सामने अर्जुन अपने आप को करण का दोस्त बताने वाले हैं, जिस बात से लग जाएगा प्रीता और ऋषभ को शॉक। प्रीता और ऋषभ उससे पूछते हुए भी दिखाई देंगे कि तुम इससे पहले कहाँ थे, तो वो बोलेगा कि मेरी इससे लंदन में मुलाकात हुई थी। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे करण की डेथ एनिवर्सरी होती है। जी हाँ, करण को जैसे सबने मरा हुआ समझ लिया है, वहीं उसकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी होती है, जिस पर सबके सब आते हैं। वहीं पे जो करण का सारा क्रिकेट का सामान होता है, उसकी भी नीलामी की जाती है। जहाँ पहुँच जाता है अर्जुन, वहाँ ऑलरेडी प्रीता रो रही होती है, करण को याद कर रही होती है। वो करण के ख्याल में खोई हुई होती है कि कैसे मैं और करण साथ में क्रिकेट खेला करते थे, और कैसे करण को अपने क्रिकेट से इतना ज्यादा प्यार था। उसके सामान को छू छू कर वो करण का एहसास ले रही होती है, और अर्जुन ये सब देखता है, वो भी इमोशनल हो जाता है। वो प्रीता को चुप कराने जा ही रहा होता है, क्योंकि अर्जुन को एक बार को लगता है प्रीता के दिल में अभी भी करण के लिए इमोशन है, यानी अर्जुन के लिए इमोशन है। वहीं वो जा ही रहा होता है कि वहाँ आ जाता है ऋषभ, और फिर लग जाता है अर्जुन को शॉक, क्योंकि ऋषभ आता है और प्रीता को चुप कराने की कोशिश करता है, उसे गले से भी लगा लेता है। वहीं अर्जुन ये सब देखकर फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से मिलता है, और उन दोनों से जब वह मिलकर कहता है कि मैं करण का दोस्त हूँ, तो प्रीता और ऋषभ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। जी हाँ, अर्जुन एक बहुत ही अच्छे अंदाज में बोलता है कि पहचाना मुझे, मैं अर्जुन सूर्यवंशी, जिसे देखकर प्रीता बोलती है आप बहुत अच्छे से। वहीं पर ऋषभ भी उसे देखकर हंसने लगता है। तभी अर्जुन बताता है मैं करण का दोस्त हूँ और हम दोनों लंदन में मिले थे, जिस बात से ऋषभ काफी शॉक्ड हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है। वहीं पर जब ऋषभ कुछ बातें पूछता है करण के बारे में, तो अर्जुन उसका बिल्कुल सही सही जवाब देता है, जिस बात से ऋषभ को भी लगने लगता है कि अर्जुन करण का ही दोस्त है और इतनी सारी बातें इसे पता है, तो जरूर ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब अर्जुन ने दे दी है प्रीता और ऋषभ को गलतफहमी। क्या ये गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी, या प्रीता और ऋषभ को ऐसे ही झूठ में जीना पड़ेगा। वेल दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो इसे फॉलो और लाइक करना ना भूलें।